नमस्ते दोस्तों, मेरी चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने कुछ फूड आइटम्स खरीदे हैं ज़्यादा करके चाय के साथ खाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियोस चालू करने से पहले मैं बताती हूँ, ये ज़्यादा करके जो फूड आइटम्स खरीदे हैं ये लोकल शॉप जो बनाते हैं ना फूड आइटम्स, वो ही है। तो और उसकी प्राइस अभी मुझे पता नहीं है। तो चलो दोस्तों, मैंने क्या क्या खरीदा है चाय के साथ खाने के लिए मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, मैंने पहला आइटम जो ख़रीदा है ये खाने चाय के साथ खाने के लिए नहीं है, ये जो फ्रैम्स हम रहते हैं ना आलू के चिप्स, वो ख़रीदे हैं। ये तेल में डालकर हम फ्राई करते हैं, वो है ड्राई, ये पटैटो चिप्स है। तो ये पहला आइटम है। उसके बाद मैंने दोस्तों ये ख़रीदा है, राजगिरा के लड्डू ख़रीदे हैं, अच्छा लगता है खाने के लिए चाय के साथ। उसके बाद मैंने ये जो दिवाली में बनाते हैं ना वो चकली, वो ख़रीदे। सब लोकल जो शॉप से जो बनाते हैं वही मैं ख़रीदती हूँ ज़्यादा करके, मुझे ये अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैंने ख़रीदा है ये सादे से गाठिया। एक्चुअली दोस्तों, ये गाठिया है ना, उसकी सब्जी भी बनती है और मैं ज़्यादा करके कांदा टमाटर डाल के और हरी और लाल चटनी डाल के भेल की तरह भी हम बना सकते हैं। उसके साथ दोस्तों मैंने ख़रीदा है ये सादे जो चूड़ा बोलते हैं, पोहा का चूड़ा जो दिवाली में हम नॉर्मल बनाते हैं, ये बहुत अच्छा लगे, बहुत टेस्टी रहता है दोस्तों। फिर उसके बाद मैंने ख़रीदा है ये तीखे गाठे, ये भी मैं चाय के साथ, चाय इसमें डालने का डालते हैं और खाते हैं तो बहुत ही यम लगता है, अच्छा लगता है, टेस्टी। सिंपल लोकल मार्केट के जो है मूंग दाल मैंने लाई है, ये फ्राई की हुई जो नमकीन है ना वो। फिर उसके बाद है ना दोस्तों, अदरक लहसुन की पेस्ट ख़त्म हुई थी, तो अदरक लहसुन के पेस्ट का पूरे की पूरी आई थिंक ऐसे पट्टी ही लाई हूँ, कितने हैं, 5-6 है टोटल, 6 लाई हूँ, या मुझे ना ईजी पड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने ये लाई हूँ, ये टोस्ट लोकली शॉप से है, ये टोस्ट लाई हूँ। और उसके बाद मैंने यही उसी लोकल शॉप से बटर लाई हूँ। तो ये ज़्यादा करके हमें चाय के साथ खाने के आइटम्स दोस्तों लाई हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा।